चलिए इसी के साथ रुक करते हैं बड़ी खबर का। तो मैनपुरी, रामपुर और खतौली में आज मतगणना के परिणाम आने वाले हैं और रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। बता दें कि मतगणना जारी है और लगातार रुझान सामने आ रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। ईवीएम मशीनें जो है अर्धसैनिक बलों की निगरानी में है। मैनपुरी उपचुनाव की मतगणना जारी है। जसवंत नगर विधानसभा से डिंपल यादव आगे है। मैनपुरी में बीजेपी सपा में कड़ी टक्कर है। 17 टेबल पर 27 राउंड चलेंगे। खतैली की गिनती 171 मतदान केंद्र में 369 बूथों पर हुई वोटिंग। छठवां राउंड की गिनती पूरी हो गई है। डिंपल यादव को 27,862 वोट मिले हैं जबकि रघुराज सिंह को 10,932 वोट मिले हैं। बता दें 16,930 वोटों से आगे चल रही है डिंपल यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां मैनपुरी, रामपुर, खतौली में मतगणना जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बता दें उपचुनाव हुए थे मैनपुरी, रामपुर, खतौली में, जिसके आज परिणाम आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं मतगणना के साथ साथ ही। और इसी के साथ एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां मैनपुरी में बीजेपी और सपा में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। 17 टेबल पर 27 राउंड चलेगी। खतौली की गिनती 171 मतदान केंद्र के 369 बूथों पर हुई थी वोटिंग। चलिए इसी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, मैनपुरी, रामपुर और खतौली में मतगणना जारी है, लगातार जो है रुझान आते जा रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि मैनपुरी की अगर बात करें तो बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर यह देखने को मिल रही है और डिंपल यादव जो है आगे नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? गड्ढा हो रहा है, जिसमें अगर मैनपुरी की बात की जाए तो मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाता है, जिनके भावनिक बात गड्ढा हुई। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि मैनपुरी में इस समय जो स्थिति है, समाजवादी पार्टी से जो उम्मीदवार है डिंपल यादव, वो लगभग 27,000 वोटों से आगे चल रही। छठे राउंड की ये गिनती चल रही है, अभी 27 राउंड तक ये गिनती चलेगी। तो इसमें कहे तो डिंपल यादव प्रतिशत आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, उनकी पत्नी डिंपल यादव। साफ तौर पर अगर बात करें मैनपुरी की, तो ये मुलायम सिंह का गढ़ है, जिसका पूरा परिवार आप कह सकते हैं कि एक होकर जसवंत नगर सीट की आपने जो चर्चा की, तो वहां से त्रिपाल सिंह यादव वहां से विधायक है, तो वहां से भी कह सकते हैं कि डिंपल यादव वहां से आगे चल रहे हैं। तो कुछ ना करें कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कांटे के टक्कर है। साथ ही आपको बताएं तो रामपुर जो कि विधानसभा सीट है, वहां पर आशिक रजा 1600 अधिक वोटों से अभी आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उनके भी कड़ाके टक्कर है, वो भी 1600 वोट से। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो पीछे है। दूसरी आपने खतौली की चर्चा की, तो खतौली विधानसभा सीट से भी जो कैंडिडेट है, रालोद कैंडिडेट है, जिसका मदन भैया नाम है, वो जो है 1600 अधिक वोटों से वो भी आगे चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, कांटे की टक्कर तो देखने को मिल रही है और रुझान भी लगातार सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में पिक्चर कब तक क्लियर हो जाएगी, मतलब मतगणना कब तक पूरी हो जाएगी, कब तक नतीजे आ जाएंगे? देखिए, अभी अपने पहले राउंड की जो मतगणना है उसमें आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी रामपुर और खतौली में लगभग 400 वोटों से पहले राउंड में आगे चल रहे थे, लेकिन अभी पांचवा राउंड क्लियर हो चुका है, अभी छठे राउंड पे तक आ चुके हैं। तो जिसमें मैनपुरी में डिंपल यादव लगभग 28,000 वोटों से जो है आगे चल रही है। खतौली की अगर बात करें तो खतौली में जो मदन भैया जो कि रालोद के उम्मीदवार है, वो भारतीय जनता पार्टी से लगभग 600 वोटों से आगे चल रहे हैं। रामपुर की अगर बात करें तो पहले चरण की जो मतलब वोटिंग थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो आगे थे, लेकिन छठे राउंड की काउंटिंग जैसे ही नजदीक आ रही उसमें कुछ कह सकते हैं कि अभी लगभग 1000 वोटों से जो है वहां पर जो आसिम रजा है जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, वो आगे चल रहे हैं। जी चलिए फिर से एक बार मैनपुरी पे हम लौट आते हैं, तो क्या विकास के मुद्दे थे जिन पर जो है सपा उतरी, क्योंकि लगातार बढ़त हम देख रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर जो है सपा ग्राउंड पे उतरी थी इस बार?
देखिए अगर मैनपुरी की अगर बात करें तो मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर पूरा परिवार समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार यहाँ पर, ये कह लीजिए कि इससे पहले जो आपने देखा होगा कि शिवपाल सिंह यादव की जो नाराजगी थी समाजवादी पार्टी से वो कहीं ना कहीं चल रही थी, जिसके बाद अब मैनपुरी में जिस तरीके से जो है उपचुनाव हुआ है उसमें डिंपल यादव कैंडिडेट है, वो अखिलेश यादव की पत्नी है। आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये मुलायम सिंह का घर है, तो इसमें पूरा परिवार लग गया है अपनी साख को बचाने के लिए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लगभग 40 से अधिक स्टार प्रचारक है जो की मैनपुरी में डेरा जमाए हुए थे, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो स्थल है उसे ढालना चाहते थे, उसे अपने कब्जे में करना चाहते थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव का ये गढ़ है, तमाम जो यादव बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर तमाम जो वोटर है वो समाजवादी पार्टी कह सकते हैं। तो यही नतीजा है कि आज सिंपल यादव जो है वो कहीं ना कहीं जो देख रहे हैं कि तमाम आगे चल रहे हैं, तो कहना कहते हैं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर ही वहाँ पर मैनपुरी में देखने को मिल रही है। जी चलिए जी, तो 15,000 वोटों से जो है डिंपल यादव आगे चल रही है, तो बड़ा आंकड़ा, ऐसे में कहा जा सकता है कि जीत लगभग तय है। देखिए अभी ये कह पाना इस वक्त नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि मैनपुरी में कहीं ना कहीं डिंपल यादव का जो सक्षम है वो हो सकता है कि मतगणना में जो हमने छठे राउंड की वोटिंग के दौरान जो नंबर निकले वोटों से वो आगे चल रही, कहीं ना कहीं कह सकते हैं मैनपुरी पर समाजवादी पार्टियों का दबदबा अब भी बना हुआ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लखनऊ से बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं वैसे वैसे अपडेट्स हम आपको देते जा रहे हैं। सुबह से ही मतगणना शुरू हो गई थी और रुझान जो है एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। रामपुर, खतौली और मैनपुरी में उपचुनाव हुए। मैनपुरी में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव जो है 15,000 वोटों से आगे चल रही है। तो उत्तर प्रदेश से जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी और सपा के बीच यहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और ऐसे में चलो इसी के साथ मुजफ्फरनगर से इस वक्त का सबसे